हाँ जी बेटा, वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यू फ्रॉम द पॉलिनोमियल चैप्टर। बेटा मेरे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है। इफ यू सी, मेरे पास गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस मेरे पास जो है दैट इज गिवन टू यू, या मेरे पास आप ये कह सकते हो टू जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट इज गिवन टू यू आर जीरो इच, आर जीरो इच। देन मेरे पास जो है थर्ड जीरो, मेरे पास जो है वो कैलकुलेट करना है, और पॉलिनोमियल दी हुई है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा क्या करेंगे अगर हम देखें सम ऑफ द जीरोस, मेरे पास सम ऑफ द जीरोस माइनस क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर, तो 1/1। अब टू जीरोस मेरे पास जीरोस दिए हैं, तो 0 + 0, तो मेरे पास थर्ड जीरो की वैल्यू क्या आ गई, -1। ओके बेटा क्लियर, क्वेश्चन था टू ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो, देन ईच मतलब अल्फा भी जीरो बीटा भी जीरो, तो देन थर्ड जीरो कैलकुलेट करना है ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो दिस इज द मेथड, सम ऑफ द जीरोस आप यूज करोगे, आपको पता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b / b, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा मेरे पास क्वेश्चन है, इफ द ग्राफ जो है ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स, इफ द ग्राफ वाई इक्वल टू पी एक्स जो है, वेयर पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक, मेरे पास पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेरे पास ये दिया हुआ है, कट्स एक्स एक्सिस एट डिफरेंट पॉइंट्स, जो पी एक्स है वो एक्स एक्सिस को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करता है, देन मेरे पास पी एक्स हैज नंबर फर्स्ट नो जीरो, नंबर टू मेरे पास एग्जैक्टली 1 0, नंबर थर्ड एग्जैक्टली 2 0s, देन डी ऑप्शन नन। क्लियर कट है, अगर एक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे दो जगह पे टच कर रहा है, इन कट कर रहा है, तो 2 0s ही होंगे ना, अगर वो टच कर रहा है 1 0 इक्वल वैल्यू होती है उसका, अगर वो नहीं इंटरसेक्ट करता है तो नो रियल जीरोस। आप कहते हो कि नहीं कहते, तो क्या कॉन्सेप्ट लेंगे, चाहे कर्व इधर को है चाहे इधर को है, कट तो कर रही है, तो एग्जैक्टली 2 0s। ओके बेटा क्लियर, बात समझ आ गई सबको बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एनी डाउट टू एनी वन। चले आगे बेटा, चलिए मूव टूवर्ड नेक्स्ट। बेटा मेरे पास क्वेश्चन है, दैट इज इट इज गिवन हियर इन द क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, उन्होंने कौन सी वैल्यूज कैलकुलेट करने को कहा है, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, यानी हमने क्या कैलकुलेट करना, वी नीड टू कैलकुलेट बेसिकली द सम ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। तो बेटा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम में आपको पता है कि क्या होता है मेरे पास, दैट इज -1/2, क्योंकि टू एट ए टाइम, अगर 1 होता तो -1/1, एट 3 हो तो -1/3, ये 2 एट ए टाइम है तो -1/2, ये 1 एट ए टाइम होता है ये 2 एट ए टाइम होता है, तो सी बाय, मैं
मैं यहां पर सारे फॉर्मूले बता देती हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये माइनस वन की पावर वन बी बाय ए, ओके। अल्फा बीटा गामा है ही तीन जीरो, तो माइनस वन की पावर थ्री मेरे पास है, ये वन एट ए टाइम, टू एट ए टाइम, थ्री एट ए टाइम, डी बाय ए। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। समझ आ गई बेटा सबको? कोई भी ऑप्शन आ सकती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, ध्यान से देखिए। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ, अगर मेरे पास जो है अल्फा बीटा जीरोस हैं, मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, मेरे पास जो है माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, देन वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा माइनस जो है टू अल्फा बीटा। हाँ जी, बता सकता है आप में से कोई हाउ टू सॉल्व दिस? एनीबडी फ्रॉम योर साइड? हाँ जी बेटा, एनीबडी फ्रॉम द ऑनलाइन क्लास, हु इज एबल टू टेल मी हाउ टू सॉल्व इट? हाँ जी, मैं बताने लगी हूँ। देखिए एलसीएम लीजिए, कितने पार्ट का सिर्फ एलसीएम ले लीजिए, उसका बेनिफिट क्या होगा अभी देखना। बीटा प्लस अल्फा माइनस जो है मेरे पास टू अल्फा बीटा, सबका भी ले लेते हो तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरे पास ऑलरेडी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या है मेरे पास, अगर आप देखोगे तो सी बाय ए, और सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, तो वो फाइव आता है, ओके। तो अब बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइव ओवर अल्फा बीटा फोर माइनस टू अल्फा बीटा फोर, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर, ओके जी। फाइव टेक एलसीएम माइनस एट थर्टी टू, तो दैट इज माइनस सेवनटीन बाय फोर इज द आंसर, ओके बेटा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हमने किए हुए हैं, कई बार वो हमें पूछ लेता है, मैं एक जस्ट जनरल सा ओवरव्यू दे देती हूँ उस पर, जस्ट सी इट। बहुत चेंजेस हमें करनी आनी चाहिए, बट हमारा अल्टीमेट एम होगा बेटा हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करने का, ओके। तो मान लीजिए आपको ये कैलकुलेट करने को कहा है, आप देखिए ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां पर आता है, किस फॉर्मूले में आता है, यूज दैट फॉर्मूला, प्रोवाइडेड कि उसमें सम और प्रोडक्ट यूज हो, तो यू नो इट वेरी वेल। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। मैं माइनस वाला क्यों नहीं यूज कर रही, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मेरे पास नहीं होती बेटा, ओके जी। तो अल्फा प्लस बीटा मैं यहां से यूज कर सकती हूँ, माइनस बी बाय ए, तो फाइव का स्क्वायर दैट आई नीड टू कैलकुलेट, प्लस टू सी फोर बाय वन, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 25 माइनस एट, ओके जी। क्लियर है, बात समझ आई बेटा सबको? अब अगला देखिए मेरे पास जो है नेक्स्ट, इफ यू सी मेरे पास, अगर वो कहता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू निकालो, मैं बार बार कह रही हूँ वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा यूज होता है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करूंगी, देखिए यहाँ पर आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, देखो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा यूज हो रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, फिर बात समझ आएगी नहीं, ओके बेटा। तो हम अब क्या करेंगे, यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सेम हुई माइनस बी बाय, तो दैट मींस मेरे पास जो है फाइव क्यूब, ये मैंने निकालना है, अल्फा बीटा फोर
और ये कितना है 5, माइनस कीजिए यू विल गेट योर आंसर। अच्छा ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा, ध्यान से देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा है, तो मेरे पास जो है क्या आ जाएगा, लेट अस सी। अल्फा माइनस बीटा का होल स्केयर, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर माइनस टू अल्फा बीटा, इसकी प्रॉब्लम कोई नहीं, ये स्केयर उधर आकर रूट भी हो जाएगा, पर प्रॉब्लम क्या है, इसकी वैल्यू नहीं आती है, इसकी प्लस वाले से ढूंढ लो ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर टू अल्फा बीटा, तो यहाँ वैल्यू पुट करो, यहां से ट्राइव करके सब्स्टिट्यूट या अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस टू अल्फा बीटा, और एक माइनस टू अल्फा बीटा ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे यहां पर, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस फोर अल्फा बीटा, ये किसकी वैल्यू, सीधा फॉर्मूला जो बच्चा लर्न कर सकता है। मैं बार बार कह रही हूँ जितने भी क्वेश्चन है ना, अल्टीमेट एम है सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में कन्वर्ट करने, बात समझ आई बेटा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है जी। चलिए अब और क्वेश्चन करवाते हैं, लेट अस सी मेरे पास जो है उसने क्या कहा है कि इफ मेरे पास जो है, देखिए इफ रूट फाइव एंड माइनस रूट फाइव आर द जीरोज ऑफ पी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस मेरे पास जो है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फिफ्टीन, देन इट्स अदर जीरोज, दो जीरो दीजिए, थर्ड जीरो निकालना है हमेशा, क्या यूज करोगे बेटा, व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट देयर थर्ड जीरो, थर्ड वैल्यू, तो सम ऑफ जीरोज यूज करेंगे ना यहाँ पर, तो सम ऑफ जीरोज में मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस वन पावर वन थ्री बाय वन, हाँ जी ये वैल्यूज दी हुई है मुझे पता, कट जानी जीरो ही आ जानी, रूट थ्री माइनस रूट थ्री ओ सॉरी फाइव प्लस गामा दैट इज माइनस थ्री, इट विल कैंसल, गामाज वैल्यू इज माइनस थ्री थर्ड रूट, बात समझ आई बेटा, किसी को कोई डाउट प्लीज आस्क मी। चले आगे बेटा, हाँ जी नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर स्टूडेंट बेटा, सिर्फ दक्षिता ने रिस्पॉन्स किया एक बार, गुड, बाकी सबको क्लियर है, प्रिंसी जसलीन ओके, वनीता जिया मैक ओके गुड। चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस क्या करेंगे, कितने जीरोस होंगे, कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दो पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, टू। अगर मैं ये पूछूं लाइक दिस, नो जीरो इंटरसेक्ट नहीं ना कर रहा, सपोज वन जीरो एक्स एक्सिस पे एक जगह पे कट कर रहा है, अच्छा अगर मैं लिसन इट केयरफुली, ये जितनी भी पॉलिनोमियल्स होती हैं ये y इज इक्वल टू p ऑफ x होती है, अगर मैं उल्टा कर दूं x इज इक्वल टू p ऑफ y, तो तब बेटा आपने y एक्सिस पे देखना है वो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करते है, मतलब अगर ये कर्व है सपोज, ये आप नो जीरोस नहीं कहोगे,
आप ये नहीं कहोगे कि एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा, रीजन यहां वो वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो आंसर इज टू, आंसर इज टू. ओके क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को? ठीक है जी. अब नेक्स्ट देखें, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस, लेट अस सी. मेरे पास हो गए, हाँ जी, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस मेरे पास होंगे, क्या आंसर आएगा इसमें अगर नंबर ऑफ जीरोस देखने आपने? हाँ जी बेटा बताइए, कोई भी कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दो जगह पे ना, एक यहाँ पर, यहाँ टच कर रहा है, टेंशन ही नहीं, टच कर रहा है, तो टू. बिल्कुल ठीक है प्रिंसिपल, करेक्ट. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इट इज गिवन दैट इफ टू एंड माइनस थ्री, इफ टू एंड माइनस थ्री आर द जीरोज ऑफ, मेरे पास हो गए, टू एंड माइनस थ्री आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल टू एंड माइनस थ्री. ओके देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, दे राइट, मुझे ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए. बहुत सारे मेथड से हम कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोज करके देखें. अगर मैं सम ऑफ जीरोज करके देखती हूँ तो मेरे पास इधर माइनस वन आ जाएगा और इधर माइनस ए प्लस वन, तो ए की वैल्यू जीरो आ गई. ओके और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बी की वैल्यू तो सीधा ही माइनस सिक्स आ गई, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? माइनस सिक्स. एक मेथड ये, एक मेथड ये है एक्स की जगह पहले आप सीधा ही टू पुट करके देखो, सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वहां से भी वैल्यू आ सकती है. ओके क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी का? चले आगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, उसने कहा हुआ है कि इफ मेरे पास जो है पी एंड क्यू आर द जीरोज ऑफ, दे जस्ट मेंशन द पॉलिनोमियल हियर, इफ पी एंड क्यू आर द जीरोज ऑफ, मेरे पास हो गए गिवन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, अगर वो इसके जीरोज हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस की, पी और क्यू जीरोज ही. ओके और ऑप्शन दी हुई है मेरे पास बी बाय ए, चलिए कैलकुलेट कीजिए सारे जरा, सी बाय ए, थर्ड ऑप्शन मेरे पास जो है डी बाय ए, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज माइनस बी बाय ए. जी क्या करेंगे मेरे पास यहाँ पर, व्हाट वी हैव टू डू? ओके प्रिंस इज सेइंग कि मैम फर्स्ट ऑप्शन क्लियर कट है, अल्फा बीटा नहीं लिया, जो है पी एंड क्यू ले लिया, तो सम ऑफ जीरोस तो वो क्या होता है? माइनस बी बाई, माइनस ऑलरेडी है तो बी बाई, बिल्कुल करेक्ट प्रिंसी, वेरी इजी टू डू दिस. ओके बेटा क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहां पर किसी का भी? ठीक है जी, एनीथिंग यू वॉन्ट टू